बास्केटबॉल की स्टेट लेवल खेलों में जालंधर की अंडर 17 और अंडर 14 की टीमों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिस पर खुशी जताते हुए जिला जालंधर के खेल अधिकारी प्रभजोत सिंह ने कहा कि 20 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें जालंधर को बास्केटबॉल खेल में एक बड़ा सामान हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि बास्केटबॉल की अंडर 17 और अंडर 14 की टीमें गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, जिन्हें लगभग पिछले 3 वर्षों से कड़ी मेहनत करवाई जा रही थी, जिसका नतीजा बहुत बढ़िया मिला है। जहां उन्होंने बच्चों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी, वहीं उन्होंने आने वाले खेलों में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और साडे सारे बच्चे जालंधर दा अंडर 14 और अंडर 17 चो खेडा पद्धन पंजाब दियां विचों गोल्ड मैडल आया आ, और ये मैडल 20 साल बाद जालंधर दा किसी स्टेट गेम्स चो गोल्ड मैडल आया आ। और साडे बच्चे अंडर 14 वाले ने फाइनल मैच दे विच भी बहुत वधिया परफॉर्मेंस दित्ती आ, और इन्हें लुधियाने जिते लुधियाने टूरनामेंट हो रहा है उन्होंने बीट किया आ, और पहला मैच फुल टाइम से बराबर रहा और एक्सट्रा टाइम पर इन्होंने एक गोल से हराया। और अंडर 17 की टीम साड़ी जी और वो भी बहुत वधिया खेडी आ, उन्होंने क्वार्टर फाइनल फरीदकोट नू, सैमीफाइनल फतेहगढ़ साहब नू, और फाइनल दे विच पटियाले नू हरा के एक गोल से, जिते पटियाले मतलब बहुत तगड़िया सहूलत उस साई के कोच है उन्होंने हरा के और गोल्ड मैडल जितया। और असी इन्हों ने ये पिछले 3 साल तो असं इन्हों प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मैं लखविंदर सिंह नाम मेरा हैंडबॉल कोच, ठीक है। पहला मैच अपना मोहाली ना ही जिदे आप बहुत वधिया बच्चे खेडे आ, वो आप 15 स्कोर ना जितते हैं जी। उस तो बाद अपना मैच हैगा है जी कपूरथले ना जी, वो तो आप वन साइड ही जितते मैच ही छड़ गए जी। उस तो बाद अपना मैच हैगा जी क्वार्टर जी रोपड़ रोपड़ ना जी, वो भी अपने बच्चे बहुत वधिया खेडे। उस तो बाद अपना मैच हैगा जी सैमीफाइनल जी फतेहगढ़ साहब ना, बहुत ज़्यादा टफ मैच ही, बहुत ज़्यादा जिन्हों कह सकते थे वो आप 5 स्कोर ना जितते हैं जी। तो उस बाद अपना फाइनल मैच भी पटियाले ना, उत्थे साई दे कोच भी है जी, उन्होंने सहूलत भी बड़िया आ, पर उसे एनएस की भी सहूलत है, कह का मतलब भी बहुत टफ मैच ही, आप 1 स्कोर से जितते हैं।